दोस्तों आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट की पीडीएफ फाइल हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और रात को जब मेल कॉन्स्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था तो उसी समय हमने आपको सूचित कर दिया था कि मेल कॉन्स्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भाई जब कोर्ट का आदेश ही नहीं हुआ तो हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल भर्ती का जो रिजल्ट है वो पहले ही जारी किस प्रकार से कर दिया गया। अगर दोस्तों आपके मन में भी यही डाउट है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों अगर आप सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। सभी सब्जेक्ट के हैंडराइटिंग के नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं जो कि बिल्कुल फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मेल कॉन्स्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट की जो पीडीएफ फाइल है वो भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है जो कि आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल भर्ती का जो रिजल्ट है वो अनुमति मिलने से पहले ही किस प्रकार से जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको एक बात कन्फर्म कर देता हूँ कि जो फीमेल कॉन्स्टेबल भर्ती में जो फॉर्मूला लगाया गया था उसके आधार पर ही जो है अगर आपका मेल कॉन्स्टेबल वाला जो रिजल्ट है वो भी जारी होना था, लेकिन जो फीमेल कॉन्स्टेबल वाला फॉर्मूले में काफ़ी आपत्तियाँ जताई गई थी युवाओं की ओर से, और वो जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच चुका है। उसमें बार बार तारीखें आपको दी जा रही हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट जो डेट दी गई है उसके ऊपर आपकी सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही जो है आपका मेल कॉन्स्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो भाई इसका रिजल्ट जारी होने की बात यह है कि जब ऊपर से सरकार का प्रेशर आया है एचएससी के ऊपर कि भाई आप जो है मेल कॉन्स्टेबल भर्ती का रिजल्ट जो है उसको जारी कर दीजिए, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री की कहीं भी रैली होती है या कोई भी कार्यक्रम होता है तो काफ़ी संख्या में युवा वहाँ पर पहुँच रहे हैं और बार बार यही मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई मेल कॉन्स्टेबल भर्ती का जो रिजल्ट है उसको जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए। लेकिन एचएससी का ये मानना था कि भाई जब तक फीमेल कॉन्स्टेबल भर्ती का रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है कि कोर्ट कौन सा जो फॉर्मूला लगाने के लिए बोलता है, उसके बाद जो फॉर्मूला फीमेल कॉन्स्टेबल में लगाया जाएगा उसी फॉर्मूले के आधार पर मेल कॉन्स्टेबल का जो रिजल्ट है उसको भी तैयार किया जाएगा। ऐसा ना हो कि रिजल्ट जारी होने के बाद जो फॉर्मूला लगाए एचएससी उस पर युवा आपत्ति जताएं और जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद आपकी जो भर्ती प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस चली जाती है। इस कारण जो है एचएससी ने यही सोचा था कि भाई जो फीमेल कॉन्स्टेबल में जो फॉर्मूला लगाएंगे उसी के आधार पर मेल कॉन्स्टेबल का रिजल्ट भी जारी कर देंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और एचएससी से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।